आपको पता है आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। मुंह में ना पानी आ जाएगा केवल सुन के ही। यस, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की टिक्की। अब आज आलू की टिक्की मैंने क्यों बनाई, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो तो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगी, और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, आप ना इन्जॉय ही करने वाले हो। और आलू की टिक्की किसको पसंद नहीं होती, मतलब हम जब भी मार्केट जाते हैं ना और पानी का बताशे वाला दिख जाता है ना, तो हमें पुचके खाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। और उसके साथ हमने अगर आलू की टिक्की नहीं खाई तो ओहो, मतलब पुचके पूरे ही नहीं है, गोलगप्पे पूरे ही नहीं है। तो वेलकम बैक टू हेल्दी डाइट आरू, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यम्मी आलू की टिक्की। इसको वैसे तो बहुत तरीके से बना सकते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे झंझट वाले भी होते हैं, बहुत सारे ईजी भी होते हैं, लेकिन आज जो मैं बनाने वाली हूँ ना, मैं बहुत ईजी तरीके से बनाने वाली हूँ। और केवल आपके घर में अगर आलू हो ना, तो ये आपकी आलू की टिक्की ना लाजवाब बनकर तैयार होने वाली है। तो इसके लिए ना मैंने क्या किया है, मैंने ले लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू। अब इसके साथ की वो चीज़ बताती हूँ मैं आपको, एक चीज़ क्या है कि ये जो आलू है ना, ये इतने बड़े साइज़ के हैं और ये बॉयल्ड मैंने अच्छे से कर लिए हैं। और उसके बाद आप इसको क्या करो, या तो पोटैटो मैशर हो आपके पास तो आप उससे मैश कर सकते हो। अब चूंकि ये ना बहुत ज़्यादा गर्म थे तो मैंने पोटैटो मैशर यूज़ कर लिया, अगर ये ठंडे होते ना तो मैं हाथ से ही उसको कुछ 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 कर देती है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर आपके पास गर्म, मतलब आपके आलू जो है वो गर्म है, तो आप उसको या तो मैशर से, या मैशर नहीं है तो आप जो, जैसे हम लोग का जुगाड़ क्या होता है, जो गिलास होता है ना, गिलास के पीछे से तली वाले सारे एरिए से हम क्या करते हैं, एरिया से हम उसको मैश कर देते हैं, है ना। तो सिंपल आप उसको मैश कर लेना। और इसमें मैं जो डालने वाली हूँ बहुत सिंपल मसाला, मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी, स्वादानुसार आप नमक डाल देना। और इसके अलावा अब जो मैं आगे मसाले डालने वाली हूँ ना, उनमें से अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना तो आप स्किप कर सकते हो। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और ये भुना हुआ जीरा पाउडर था। इसके अलावा थोड़ा सा, 1/2 चम्मच मैंने डाला है सौंठ पाउडर, और इसके अलावा मैंने डाला है थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो अगर इनमें से अगर आपके पास कुछ चीज़ नहीं है, सपोज़ आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है, सौंठ नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा मैंने 3 से 4 इसमें हरी मिर्च डाल दी थी, और थोड़ा सा मैंने अदरक ग्रेट करके डाल दिया था, और बहुत सारा मैंने डाला है हरा धनिया। और उसके बाद मैंने इस पिट्ठी को कर लिया है मिक्स, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इस पिट्ठी में अब जो हम डालने वाले हैं ना, वो हम डाल रहे हैं 4 से 5 चम्मच करीब मैंने डाला है चावल का आटा। इससे ना बहुत ही अच्छी क्रिस्पीनेस सी आ जाती है में। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है ना, तो आप सिंपल कॉर्न फ्लोर है, आपके पास मक्के का आटा है तो वो भी डाल सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, वो डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने इनकी क्या करी है ना, गोल गोल, मतलब थोड़ा सा हाथ पे, हथेली पे तेल लगाकर या घी लगाकर मैंने इनकी ना, जैसे लोई होती है ना, चपटी, जैसे हमारी चपटी साइज़ की, उस तरह से मैंने टिक्की शेप में इसको बना लिया है। ठीक है, तो आप पहले ना सारी टिक्कियां ना बना कर रख लो, तो बहुत जल्दी बन जाती है और फिर आपको टाइम भी नहीं लगता। बस आपको आलू चाहिए, और अगर आपके पास कुछ मसाला भी नहीं है ना, सिंपल उसमें नमक डालो, हरी मिर्च डालो, धनिया डालो, बस आपकी टिक्की तैयार है, है ना। तो ये इस तरह से मैंने सारी टिक्कियां बनाकर रखनी थी। और मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं इसको आज 2 तरीके से बनाने वाली हूँ, तो दोनों तरीके आपको अभी आगे पता लग जाएंगे। पहला तरीका जो है वो ये है, जिसमें मैं पैन में मैंने कम से कम 3 से 4 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, तो मैं देसी घी में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल दिया है। और उसके बाद मैंने, जब ये अच्छे से मेरा गरम हो गया ना, बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम अपनी टिक्कियों को बनाएंगे, और जब मेरा अच्छे से गरम हो गया, तो आप इसमें जितनी टिक्की आपकी सेट हो सकती है ना, सारी सेट कर देना, है ना। तो मैं सारी सेट कर रही हूँ, कहाँ कहाँ जगह है, कहाँ कहाँ आ सकती है। और उसके बाद इसमें जो फ्लेम रखनी है वो आपको रखनी है मीडियम टू हाई, और इसको ढककर रख देना। बहुत जल्दी बनती हैं, झटपट बनती है, इसमें कुछ भी झंझट नहीं होता। और यार मैं सही बताऊँ तो इसको जब आपका ये बन जाए ना, तो इसको आप खोल कर एक बार इसको, या तो आपके पास चिमटा हो या कुछ पकड़ने का तलना वलना होता है ना वो हो, तो उससे आप आराम से पलट सकते हो। मैं तो क्या करती हूँ, बीच बीच में जैसे मेरे को कहीं परेशानी होती है ना, तो मैं तो पूरा जो पैन होता है ना उसी को घुमा देती हूँ कि चलो घूम जाओ अब, है ना। और मेरा जो प्रोसेस होता है इसको टिक्की को भूनने का, वो 3 बार में होता है। 3 बार का मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम मैं जब डालती हूँ, दूसरी बार मैं उसको पलट देती हूँ, दूसरी बार हो गया मतलब जब दूसरी साइड से सीखती हूँ, और तीसरी बार और मैं उसको पलटती हूँ जिससे और ज़्यादा वो क्रिस्पी हो जाए, है ना। तो उससे क्रिस्पीनेस भी आ जाती है, और तीसरी बार मैं उसको अच्छे से दबा भी देती हूँ, जो मेरा पलटन है या जो भी आपके पास करछली है उससे मैं अच्छे से दबा देती हूँ, जिससे उसकी जो साइड्स हैं वो भी बहुत अच्छे से बन जाएँ, भुन जाएँ और क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाएं। और इनका ना सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप देखो
देखो हम लोग जाते हैं मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर हम लोग रुक नहीं पाते, या तो हमें कचौड़ी दिख जाती है या फिर पानी पूरी दिख जाती है, चल ठीक है पानी के बताशे तो इस ओके, बट टिक्की दिख जाती है या फिर कुछ भी चाट वाले आलू दिख जाते हैं, तो हम लोग ना मतलब हमारी जीभ इतनी ललचाई हुई है ना कि हम अपनी जो रसेंद्री है ना उस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते और हम बस टूट पड़ते हैं, है ना, कि नहीं हमें खाना है। अब मैं इसके लिए ये बोलूँगी कि ओकेजनली ठीक है कि आपके अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, ओकेजनली कुछ ओकेजन पड़ा है, ठीक है, बट इसको ना अपनी हैबिट में मत बनाओ कि आप रेगुलरली आपने बाहर जाके और खाना स्टार्ट कर दिया कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार जाने लगे, क्योंकि हम खाने तो लगते हैं लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते उसके पीछे की जो चीज़ है ना वो नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते कि वो हमें कितना नुकसान दे सकता है, वो पता नहीं किस तरीके का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कितने दिन का यूज़ कर रहे हैं, कार्सिनोजेनिक हो जाता है, आपको पता है जब आप एक ही ऑयल को बार बार यूज़ करते हो ना तो वो कैंसर उसके अंदर ना कैंसर क्रिएटिंग एजेंट्स आ जाते हैं और जब वो हम खाते हैं ना तो फिर हमारी बॉडी पर पड़ता है बुरा असर। तो आपने देखा भी होगा आजकल तो मैं इतनी ज़्यादा न्यूज़ सुन रही हूँ ना कि छोटे छोटे बच्चों को 8-8 साल के बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब, इसलिए ही हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपनी हैबिट्स ना इतनी ज़्यादा बिगाड़ ली है खाने पीने की कि अगर हमें कुछ भी छोटा मोटा खाना होता है ना और इतने ईज़ ऑफ कन्वीनियंस हो गया ना हमारे पास कि हम बस एक क्लिक करते हैं जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर देते हैं या फिर बाहर साइड वाला जो पानी पूरी या फिर चाट वाला बना रहा होता है तो हम उस पर जाके खा आते हैं। मैं आपसे यही बोलूंगी कि इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि हम हेल्दी खाना खाएं, जितना हो सके हम घर का खाना खाएं और जहाँ भी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है ना उस टाइम को यूटिलाइज़ करके आप घर में ही बना लें, बहुत ज़्यादा बहुत सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही बनाएं और बस हेल्दी खाएं। तो इसमें मैंने क्या करा है कि मैंने मेरा तीन वैसे तो 3 टिक्की आपके लिए काफ़ी होंगी, मैंने इनको सर्व कर लिया अच्छे से और मैंने जो फेंट कर जो विस्क वाला पूरा दही होता है ना वो विस्क कर लिया था पूरा और फेंट के मैंने दही से सर्व किया है। इसके अलावा मैंने सौंठ भी एकदम बना ली थी बिल्कुल साइड में ही, एक साइड में टिक्की बन रही थी और एक साइड में मैंने सौंठ बना ली थी। सौंठ को बनाना बहुत आसान है, अगर आपको नहीं आता तो मैंने इससे पहले भी वीडियो शेयर कर रखी हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं हम, और इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि इमली को या अगर आप इमली की बना रहे हैं तो आपको इमली भिगोने की ज़रूरत है, आप हाथ के हाथ बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसको सर्व किया है सौंठ डालने के बाद, मैंने इसमें ग्रीन चटनी डाल दी है हरे धनिया और मिर्च वाली और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है चॉप करके प्याज। प्याज ना जब तक मतलब दांतों के नीचे आए ना और कचर कचर ना बोले ना मतलब मज़ा नहीं आता, आप सैंडविच बनाओ या कुछ बनाओ मतलब प्याज तो होनी चाहिए। और यहाँ पर ये मैंने घर का बना हुआ मसाला है वो मैंने डाल दिया है इसमें, ये जो थी भुनी हुई लाल मिर्च थी, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ना थोड़ी सी भुजिया पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि यार इसको क्या करें, ये वैसे भी इधर उधर चली जाती है, बस ये एक चम्मच ही भुजिया थी तो मैंने इसके ऊपर डाल दी। तो ये ना बहुत ही ईजी आलू की टिक्की आज मैंने बनाई और सही में बता रही हूँ आपको कि इसको बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। और ये जो 3 आलू थे ना, इन 3 आलू में मेरी जो टिक्की मैं आपको बताती हूँ कितनी बनी थी, मेरी 14 से 15 टिक्कियाँ बन गई थी। और अगर आप पर पर्सन 2 टिक्की भी खाते हो ना, चलो अगर 2 भी खाते हो तो 7 लोगों के लिए आप 3 आलू में टिक्की बना सकते हो, मतलब सोचो कितना सारा पैसा बचाओगे। पैसा छोड़ो, पहले आप अपने खुद की हेल्थ के बारे में सोचो, क्योंकि मैं तो यही बोलूँगी कि टिक्की विक्की खाने में तो ज़्यादा पैसा नहीं लगता है लेकिन जब जो पैसा हमारी हेल्थ पर लगता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी फैमिली के हेल्थ के बारे में पहले सोचो और बस घर पर बनाओ मज़ेदार टिक्कियाँ, मज़ेदार जो भी आपको डिशेज बनानी है, रेसिपी बनानी है, व्यंजन बनाना है, घर पर बनाओ, घर का खाना खाओ और मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। मैं मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।